हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपना है कल्पना 70mm को, जो कि भूल भुलैया 3 देखने आए हैं, और आज मूवी कैसी रहती है वो भी बताऊंगा मैं आपको, और ये सेकंड डे लास्ट शो का वीडियो होने वाला है। तो गाइस व्लॉग में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर पब्लिक अभी अंदर जा रही है, और भूल भुलैया 3 का आज अपन वीडियो करने आए हैं कल्पना थिएटर पे। बाकी अगर आप बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं उदगीर में, तो आप कल्पना 70mm को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा पर्दा देखने को मिलता है पूरे उदगीर शहर का। बाकी आज अपन भूल भुलैया 3 देखेंगे और इसको एक्सपीरियंस करेंगे, और यहाँ हमारा दोस्त चांद मिल चुका है। पुराने दोस्त थे, वीडियो में सही नहीं आ रहा इधर से। हाय मेरे दोस्त, बहुत सालों के बाद मिला। दाढ़ी तो ऐसा बढ़ा लिया कटप्पा के जैसा, क्यों बढ़ा लिया इतनी दाढ़ी? वीडियो चालू है यार। ठीक है गाइस, क्या भूल भुलैया कुछ आए बोलो फिर। हाँ भूल भुलैया कुछ आए। तो सिंगम विंगम नहीं देखने का है? भूल भुलैया का मजा अलग है। कहाँ है भाई के दोस्त? कौन कौन आ रही? अपने लोकमान गुंडा वो है क्या? नहीं नहीं, साहब को बोला तो नहीं, सिंगम देख के चलेगा दोपहर में आके। चल रहा रहे बोल तो नहीं, एक दिन में दो नहीं होते, कटा जाए अंधे बोला। हमें भी देखेंगे अब क्या वीडियो। हाँ फिल्म के तो हंसते हूँ। हाँ बाकी टिकट मिल रही है नहीं आसानी से? किधर, इधर तो लाइन भी चालू नहीं अभी। हाँ पब्लिक तो दोपहर से, दो दिन से देख रहा हूँ पब्लिक अच्छी है। कल सलमान की शादी हुई ना, इसके कहते नहीं आया था कल वीडियो बनाने। मैं तो पहले दिन ही मारने आता था वीडियो, वलीमा था कल सलमान का। बाकी अब देखेंगे मूवी कैसी रहने वाली है, और यहाँ पे तो पब्लिक अच्छी खासी जमा हो गई। हमारे दोस्त आना रहो और मजा आती, तू तो बहुत सालों के बाद मिला। हाँ अभी कुछ भी नहीं बोलता यार। देखो गाइस, ये हमारा 10 साल पुराना दोस्त है, क्या 9 साल पुराना, 10वीं में मिला था। नाम क्या है? चांद लता। हमारा नाम क्या है पूरा बोलना? सरफराज सुल्तानी। हाँ याद है यार बंदे को पूरा नाम मेरा। फारूकी सर याद है नहीं? अपने क्लास टीचर का इधर दिंगाना रहता था अपने। कुछ भी नहीं बोलते सर है अपने, पीछे तरह से सर को सलाम बोलो बोले। अपने क्लास टीचर थे, कितना डर लगता था सर से। भाई साहब क्या करें, छुट्टियाँ होने के बाद और फिर नहीं चले गए थे, अलग छुट्टियाँ ले लेते डबल। तुम्हारी बात चढ़ी सर के अलग गालियाँ गए थे याद है क्या? बात तो सही बोलूँ क्या? जूनियर एनटीआर दिख रहा, इतना खतरनाक कर ले बाला और दाढ़ी। थैंक यू। बाकी टिकट काउंटर अभी नहीं खुले ना? नहीं खुला अभी, देना नहीं चालू करा टिकट। और उधर भी भीड़ आ गई अच्छी खासी, दो दिन से तो अच्छी पब्लिक आई है। जा रहे क्या कर रहे, चुप बनाते फिर रहे यूट्यूब? ब्लॉगर बन गया तुम्हारा दोस्त, तुमको मालूम ही नहीं, जरा शर्म आना जरा तुमको, दोस्त के बारे में इतना नहीं मालूम तुम्हारे। मालूम है जी, देखा। हाँ तो फिर पूछ रहे क्यों सवाल ऐसा, क्या बात है तुम भी आ गए हमारा दोस्त। तो भाई साहब हमारे चांद भाई के दोस्त हैं, क्या नाम है भाई? वीडियो में कंफर्टेबल हैं क्या? नहीं कंफर्टेबल है। क्या नाम है? शहबाज। शहबाज तुम को नहीं मालूम। और भाई का नाम क्या है? रियान। रियान जी। बाकी आज अपन बड़े भाई के साथ आए हैं, बड़े भाई वहाँ पे फिर रहे हैं पीछे वॉकिंग करते हुए। अब दोनों मिलके देखने वाले हैं भूल भुलैया 3। फर्स्ट पार्ट का मजा अलग था यार, सेकंड पार्ट भी अच्छा था, लेकिन फर्स्ट पार्ट में जो अक्षय कुमार की सुप्रीमेसी है वो कार्तिक आर्यन मैच नहीं कर सकता ऐसा लगता है। बाकी मूवी देखने से पहले अपन जज नहीं कर सकते, लेकिन अक्षय कुमार की बात अलग है, क्या भी बोलो। ये देखो वॉकिंग कर रहा है बंदा। बाकी टिकट काउंटर अभी स्टार्ट नहीं हुए, जब भी स्टार्ट होंगे फिर अंदर जाना चालू हो जाएगा सबका। और ये भूल भुलैया 3 का 36.6 करोड़ का फर्स्ट डे का कलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्लैश में हुआ है, इसके साथ सिंगम 3 भी रिलीज़ हुई थी, तो दोनों के क्लैश में भी अच्छा खासा कलेक्शन किया है भूल भुलैया 3 ने। अभी देखेंगे मूवी भी कैसी है, क्योंकि कलेक्शन तो बढ़ते जाएगा। और ये हॉरर कॉमेडी मूवी है, और आजकल इसी जॉनर में ज़्यादातर मूवीज़ चल रही हैं, जैसे कि स्त्री 2 जिसने लगभग 600 करोड़ हिंदी कलेक्शन किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और सबसे ज़्यादा हाइएस्ट ग्रॉसर बन चुका है हिंदी में। तो वैसे ही अब देखेंगे ये भूल भुलैया 3 क्या कमाल करती है। पब्लिक रिएक्शन देखो गाइस, इंटरवल हो चुका है गाइस। शॉट मार
तो फाइनली गाइस मूवी खत्म हो चुकी है और पसंद आई मूवी कैसी लगी भाई? क्लाइमैक्स तो बहुत जबरदस्त है। हाँ मेन मतलब बेस्ट अच्छा है क्लाइमैक्स। कल की मूवी के जैसा है मतलब शुरू के दो घंटे वैसा नहीं है अच्छी है लेकिन अनीस बज्मी डायरेक्टर है जो कि अच्छे बनाते फिल्म हाँ तो इसलिए ये फिल्म भी अच्छी है। और सिंघम इससे ज़्यादा पब्लिक सिंघम को भी नहीं है मन्नत के बाहर शाहरुख खान के बर्थडे। हाँ शाहरुख खान के बर्थडे को है। बाकी आज के ब्लॉग में हमने देखो ये थिएटर वालों का कुत्ता। हाँ थिएटर वालों का पालतू है भाई वो। सेकंड हाफ बहुत हाँ फर्स्ट हाफ से ज़्यादा सेकंड हाफ अच्छा है और कॉमेडी बहुत हटके है मतलब ऐसा नहीं लगता कि नया पुराना दिख रहे सब नया दिखते अंदर। बाकी अनप्रेडिक्टेबल है अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स मतलब सस्पेंस है बोलना प्रेडिक्ट कर नहीं सकते कब से कितना गेस कर रहे हैं। हाँ हाँ आखिरी में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया फिल्म समझो अनएक्सपेक्टेड हो गया। बाकी इतना लंबा बोलते बोर हो जाते। बाकी ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को क्या 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 कटा लो कहते कटा लो वो क्या हर्ष बेनीवाल कट कर देना प्लीज क्या रहते वो हर्ष बेनीवाल टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का। बाकी ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन का ऑल ऑप्शन को क्लिक करो इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के ब्लॉग में इतना ही चलता हूँ गुड बाय गाइस।